नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फार्मासिस्ट राघव, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में, जो कि आजकल बिल्कुल कॉस्मेटिक क्रीम फेयर एंड लवली की तरह हो चुकी है। हर घर में आपको मिल जाएगी और हर महिला इसको यूज कर रही है। इवन उनको इसके यूजेस भी नहीं पता है, इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर करेंगे क्या इसको लगाने से गोरे होते हैं या फिर इसके क्या क्या जेन्युइन यूजेस हैं, क्योंकि ये मेडिकेटेड क्रीम होती है, आपको इसे एज एन ओटीसी प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटनोवेट एंड क्रीम के कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, बीटा मिथासोन जो कि 0.1% वेट बाय वेट होता है, और नियोमाइसिन जो कि 0.5% वेट बाय वेट होता है। यहाँ पर दोस्तों बीटा मिथासोन होता है, ये स्टेरॉइड कैटेगरी में लाई करता है, जबकि नियोमाइसिन होता है ये एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक की कैटेगरी में लाई करता है। और दोस्तों हम इसके बारे में बात कर लेते हैं ये और किन किन ब्रांड नेम से या फिर नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे बैटजी एन के नाम से आप ले सकते हैं, बैट सेट एन के नाम से, बैटमो एन के नाम से, और भी बहुत सारे नामों से आता है। अगर आपको देखना है तो आप कंपोजिशन चेक करके मिलाकर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जेन्युइन वाले क्या क्या यूजेस होते हैं। दोस्तों प्राइमरली ये स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अर्टिकारिया, जिसको हम रेडनेस और खुजली वाली कंडीशन बोलते हैं, उस कंडीशन में यूज किया जाता है, साइरोसिस की कंडीशन में यूज किया जाता है, डर्मेटाइटिस की कंडीशन में यूज किया जाता है, या फिर अगर आपको इंसेक्ट बाइट हो जाती है, कोई इंसेक्ट काट लेता है, उस कंडीशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा स्किन में अगर इन्फ्लामेशन हो रही है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स द्वारा इसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों चलिए, ये थे इसके जेन्युइन यूजेस जो कि डॉक्टर्स द्वारा यूज किए जाते हैं इस कंडीशंस के सही करने के लिए। अब बात कर लेते हैं जो लोग इसको गोरा होने के लिए यूज कर रहे हैं एज अ कॉस्मेटिक क्रीम। तो जो बीटा मिथासोन होता है ये एक स्टेरॉइड होता है, जिसका एडवर्स इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं, ये स्किन को वाइटनिंग टोन देता है, कलर की शेड को लाइट करने का काम करता है, और नियोमाइसिन जो होता है वो स्किन को ग्लो करने का काम करता है, जिसकी वजह से लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये चीजें अचीव करने के लिए आपको इसको लॉन्ग टर्म यूज करना होगा, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपके फेस पर हेयर ग्रोथ हो जाएगी, आपकी स्किन लूज हो जाएगी, आपकी स्किन पीली पड़ने लग जाएगी, पेल हो जाएगी, डल हो जाएगी बिल्कुल, या फिर आपकी स्किन पतली हो जाएगी। तो इसलिए आपको एज अ कॉस्मेटिक क्रीम इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है किसी भी हालत में। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको किस किस कंडीशन में इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दोस्तों आप इसके कंपोनेंट्स से अगर एलर्जिक हैं, जैसे कि बीटा मिथासोन या फिर नियोमाइसिन से एलर्जिक हैं, तो आपको यूज नहीं करना है। आपको कभी भी आपका बच्चा 2 साल से कम का है तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है बच्चों में, अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर की सलाह से ही यूज करना है। तीसरे नंबर पे अगर आपके नोज या आईज के आसपास में इंफेक्शन है तो आपको बहुत सावधानी से यूज करना है, अदरवाइज बिना डॉक्टर की सलाह के ना यूज करें। या फिर आपके एनल या फिर प्राइवेट पार्ट पर भी अगर कोई इंफेक्शन है तो भी वहां पर बिना डॉक्टर की सलाह के आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है लाइक कोल्ड सोर, चिकन पॉक्स या फिर फंगल इन्फेक्शन भी है तो भी आपको इसे यूज नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों जिस एरिया पे आप इसे अप्लाई करेंगे वहां पर रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, मतलब कंटिन्यू यूज करते ही जाएंगे, तो आपकी स्किन पीली पड़ सकती है, पेल हो सकती है, हेयर ग्रोथ हो सकती है, आपकी स्किन लूज हो सकती है, तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसे कभी भी यूज ना करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको इसे यूज किस तरह से करना चाहिए। आपको इसे दिन में 1 से 2 बार यूज करना चाहिए। आपको जरूर ध्यान रखना है आपको इसे लगाने के बाद सन से कांटेक्ट में नहीं आना है, मतलब धूप नहीं लगनी चाहिए आपकी स्किन के ऊपर। दूसरा पॉइंट, अफेक्टेड एरिया, जिस एरिया में आपको दिक्कत है सिर्फ उस एरिया पर ही आपको ये अप्लाई करना चाहिए, और जनरली इसको एडवाइस किया जाता है 5 से 7 डेज के लिए,
मैक्सिमम यूज करते हैं डॉक्टर्स इसको 14 डेज के लिए, तो कभी भी इसको लॉन्ग टर्म में आपको यूज नहीं करना है। अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।